क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ल्ड जैसे छोटे मोटे चैप्टर्स हम लोग लास्ट में कवर कर रहे होंगे। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अपनी शुरुआत होने वाली है। बेसिकली मैं क्या करवाऊंगी, पहले एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी के जस्ट बाद में साथ साथ आपके नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड हैं, तो दोनों चीजें आप लोगों की इस क्लास के अंदर कवर हो जाएगी। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पुराने जमाने के अंदर क्या हुआ था, सिविलाइजेशन हम लोग के पास होती हुई थी, उस टाइम पर क्या किया जाता था, क्लासिफाई करने की कोशिश अपने पास वहां पर की गई थी। क्लासिफाई करने का मतलब, अब देखो फॉर एग्जांपल, तुम लोगों के पास ना, लड़कियों के पास अलग अलग कलर के रबर बैंड होंगे, अलग अलग कलर की पेंस होंगी। तुम लोगों को अब बहुत मुश्किल होता होगा एक ही डब्बे में सारी रबर बैंड डाल दें, एक ही डब्बे में सारी पेंस डाल दें, बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, आप अलग अलग डब्बे बना कर बैठ जाते हो, पिंस एक में डाल देते हो, रबर्स एक में डाल देते हो। तो उसकी वजह से आप लोगों को एक जरूरत महसूस हुई, आप लोगों को एक नीड महसूस हुई कि मुझे क्लासिफाई कर देना चाहिए कि ये तो मेरे पास रबर्स हैं, ये मेरे पास पिंस हैं। तो एक क्लासिफिकेशन की आप लोगों को जरूरत महसूस हुई, इसीलिए आपने क्लासिफिकेशन किया। ऐसे ही जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उस टाइम पर भी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, एंड क्लासिफिकेशन इसी वजह से हुई। क्यों जरूरत पड़ी, अपने को क्या चीजें चाहिए होती है, तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये तीन चीजें हम लोग को चाहिए थी। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन किया। तुमने कहा चलो बहुत अच्छी बातें दी, क्लासिफिकेशन तो आपने करवा दिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला जो नाम आप लोगों के पास उभर कर आता है वो आता है एरिस्टोटल का नाम। तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लिएस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने दिया। कैसे दिया, अब देखो अगर पुराने जमाने के यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है, तो पुराने जमाने में अब इतने माइक्रोस्कोप वगैरह तो होते नहीं होंगे, बहुत डिटेल की चीज़ें तो होती नहीं होंगी। वो क्या करते होंगे, वो सिर्फ देख कर कि ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर देते होंगे। तो किसके बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन होती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन मॉर्फोलॉजी भी तो साइंस का ही पार्ट है, तो इसीलिए एरिस्टोटल जो थे वो अर्लिएस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और उन्होंने यहां पर क्या इंक्लूड किए, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहां पर इंक्लूड किया। मतलब किस किस में डिवाइड किया, प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया ट्रीज के अंदर, शर्ब्स के अंदर एंड हर्ब्स के अंदर। और एनिमल्स को किस किस में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स को डिवाइड कर दिया जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ये तो हमने अब पढ़ ली एनसीईआरटी, अब फटाफट से इसको याद करने का टाइम आ गया। सबसे पहली बात, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो क्या किया गया, मेरे साथ साथ फटाफट से रिपीट करते जाओ। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उस टाइम पे हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, वहां पर क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें जरूरत थी, एक नीड हम लोगों को वहां पर थी। क्यों नीड थी, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए हम लोग को उस चीज की जरूरत वहां पर थी। चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया, एरिस्टोटल। कम ऑन गाइस, दो बार रिपीट करो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, एरिस्टोटल ने, जो कि एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। किसके ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। सिर्फ बाहर से देखकर हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई। अगर बाहर से देखकर प्लांट्स को क्लासिफाई करने लगूं तो किस-किस में करूंगी, ट्रीज के अंदर, शर्ब्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स। एनिमल्स को अगर देखकर क्लासिफाई करूंगी तो जिनका लाल खून होता है और जिनका लाल खून नहीं होता है। तो सिविलाइजेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन के टाइम पर क्लासिफिकेशन क्यों की गई, क्योंकि हमें जरूरत थी रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल ने सबसे पहले किया, साइंटिफिक बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। प्लांट्स को किस में बांटा गया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स को किस में बांटा गया, जिनका रेड ब्लड था और जिनका रेड ब्लड नहीं था। अब एरिस्टोटल भाई साहब से तो काम हम लोग का नहीं चला, तो अब कौन आए अपने, अब आए हम लोगों के लिनियस भाई साहब, जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने दिया अपने पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो किंगडम कौन कौन सी होंगी, जो दो किंगडम बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुम लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे हो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही हम सबसे ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा तो हम बचपन से किसी किंगडम के बारे में बात नहीं करते थे। तो लिनियस ने भी क्या किया, लिनियस ने भी दो किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पास यहाँ पर दे दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। चलो ठीक है जी, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई, अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों आया, कुछ दिक्कत हुई होगी, क्यों आया,
तीन रीजंस की वजह से, मतलब जो यहाँ पर लिखे गए हैं तीन रीजंस, क्योंकि प्लांटी और एनिमिलिया किस चीज के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, इसने यूकैरियोट्स को और प्रोकैरियोट्स को साथ रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक जैसे कि अपनी ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि अपनी फंजाई, इनको भी क्या कर दिया, साथ रख दिया। तो लिनियस ने अपने पास यहां पर क्या दिया, लिनियस ने हम लोग के पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इसको समझना बहुत आसान था पर ये इनएडिक्वेट रह गया। क्या इससे हमारा काम चल पा रहा था? नहीं चल पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था? क्योंकि ये इन तीन चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता। कौन कौन सी तीन चीजें, कम ऑन गाइज, मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी लोग, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इसको समझना आसान था पर ये एडिक्वेट नहीं था। एडिक्वेट क्यों नहीं था? क्योंकि डिस्टिंग्विश नहीं किया गया किस किस के चीज के बीच में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। इन तीन चीजों के बीच में यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, इसकी वजह से इससे हम लोगों का यहां पर पूरा काम नहीं चल पाया, राइट? तो ये भी हम लोग का कवर हो गया। अब देखो इसका मतलब, अब आपको क्या चाहिए, और कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम लोग अब क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक एरिस्टोटल ने किस चीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था? सिर्फ बाहर से देखकर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था। अब हम लोगों के पास किन किन चीजों के बेसिस पे, सेल दिख कैसा रहा है, उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल की वॉल अपने पास यहाँ पर कैसी है, ये खाना कैसे खाता है, इसका हैबिटेट कैसा है, इसकी रिप्रोडक्शन कैसी है, इसके पूर्वज कैसे थे, इसके इवोल्यूशनरी रिलेशंस क्या क्या थे, तो ये सब कैरेक्टर्स को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस हम लोगों के पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्लांट और एनिमल किंगडम तो वही है, प्लांट किंगडम अभी भी है, एनिमल किंगडम अभी भी है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब बदल गए हैं, उसके अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, दूसरे कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। किन किन कैरेक्टर्स को, सेल का स्ट्रक्चर, सेल दिखता कैसे है, इनको चार पांच बार पढ़ लो, इजिली तुम लोग को याद हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो कि मतलब ऑप्शन नजर आए तो अपन टिक मार सके, ठीक है? तो सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया। और ये भी क्या होता रहता है, धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज करता रहता है। प्लांट और एनिमल किंगडम मैंने क्या बोला, आज भी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हम लोग के पास चेंज हो रहे हैं। तो यहां तक एक बार फटाफट से सारा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया, प्लांट्स को ट्रीज, शब्स और हर्ब्स में बांटा, एनिमल्स को रेड ब्लडेड और जिनका रेड ब्लडेड नहीं था उनके अंदर बांटा। लिनियस ने यहां पर क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पास यहां पर दिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। आसान तो था इसको समझना, लेकिन ये इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट क्यों था, क्योंकि ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं करता, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी नहीं करता। और कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए आ रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जो ये भी टाइम के साथ क्या करते जा रहे हैं, टाइम के साथ ये भी चेंज करते जा रहे हैं। जब कि प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट हैं, पर उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो क्या होता जा रहा है, चेंज हम लोग के पास यहां पर होता जा रहा है। उसके बाद अपने पास ये टेबल आती है, इस टेबल को हम लोग को याद रखना है। अब देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या है, इस टेबल के अंदर मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, उसके बाद जितने भी सारी की सारी किंगडम होती हैं वो सभी के सभी किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अपने पास यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मोनेरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही होते हैं पुराने जमाने के प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। क्या एनिमल्स
के अंदर मैं एनिमल हूँ। दीदी पता ही था हम लोगों को बचपन से, हमें जिस दिन देखा था ना दीदी उसी दिन पता चल गया था जानवर हो आप एकदम, तभी तो। यार ऐसे भी बेइज्जती मत करो। तो मैं क्या हूँ यहाँ पर? एनिमल हूँ। मेरे अंदर सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है? होती है, सेल्यूलोजिक वॉल होती है। फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है? हाँ, काइटिनस हम लोग के पास होती है। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। अभी जब मैं आपको भी प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको बताऊंगी कि ये काफी ज्यादा लिंक्स एस्टेब्लिश करता है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ प्रोटिस्टा लिंक एस्टेब्लिश करने में काम आता है। और मोनेरा का जब हम लोग पढ़ेंगे तो मोनेरा के अंदर यहाँ पर नॉन सेल्यूलर अपने पास ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा, सबसे पहली बात, मोनेरा के अंदर क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे हम लोग के पास कैसे होंगे? बाकी सारे यूकैरियोटिक। इसके अंदर नॉन सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होगी, फंजाई में और प्लांट्स में दोनों में प्रेजेंट होती है। इसमें काइटिनस, इसमें सेल्यूलोजिक, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। अब एक बात बताओ, अगर प्रोकैरियोटिक अपने पास है तो क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहां पर प्रेजेंट होंगी? नहीं प्रेजेंट होंगी। तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। इसीलिए प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट, बाकी सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। चलो ठीक है जी, अब आगे देखते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या करो, देखो प्रोकैरियोटिक है इसका भी एक सेल, यूकैरियोटिक है इसका भी एक सेल। पहले तो ऐसे लिख लेना, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी क्या? सेल्यूलर। यूकैरियोटिक के अंदर भी क्या? सेल्यूलर। सबसे पहले तो ये लिख लेना, उसके बाद क्या करोगे? अब सेल से नेक्स्ट मल्टी, काफी सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू ऑर्गन। और वो क्या बनाएगा हम लोग के पास? टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। वन बाय वन उसको एक ऊपर वाली पीढ़ी पर चढ़ाते जाना। तो अपने पास मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। क्या मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होगी? नहीं प्रेजेंट होगी। बाकी सब में प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट होगी। ये अपने पास पहला भी सेलुलर, दूसरा भी सेलुलर। नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे? एक स्टेप ऊपर, एक सेल के बाद मल्टीसेल, मल्टीसेल के बाद टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गन अपने पास, ये तो लूज टिश्यू यहां पर हुआ, टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड फाइनली टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम अपने पास हो गया। वॉल भी आपने देख ली, इन दोनों के अंदर मेनली होती है। फंजाई के अंदर काइटिनस, इसके अंदर सेल्यूलोजिक, एनिमिलिया के अंदर नहीं होती। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट हो गी, कुछ में नहीं होगी। और यहाँ पे अपनी मोनेरा के अंदर तो पॉलीसेक्राइड प्लस में अमाइनो एसिड्स आप पढ़ोगे अभी मोनेरा को, राइट? ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। आगे सारी ये सब, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर भाई साहब ने 1969 के अंदर, देखो साइंटिस्ट का नाम याद करने का तरीका होता है हमेशा इनका नाम आर.एच. व्हिटेकर याद ना करके पूरा एक साथ में याद रख लो, आर.एच. व्हिटेकर 1969। तो डायरेक्ट याद करोगे तो डेट भी साथ के साथ याद हो जाएगी। एनसीईआरटी के नेम्स, एनसीईआरटी की डेट्स, उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर क्या दिया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को दिया। मैंने क्या बोला? अब अपना वो कम पड़ गया, प्लांटी और एनिमिलिया कम पड़ गया, इसीलिए क्या आया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसके अंदर कौन कौन से चीजों के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया? ये रहा अभी अभी आपने देखा था किस किस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन अपन ने किया, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल होगा, मल्टीसेलर होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन दोनों चीजों को हमेशा याद रखना, रिप्रोडक्शन भी ध्यान रखना और साथ में क्या करना, साथ में उनका, उनके पूर्वजों के साथ क्या रिलेशन है, आजकल इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं हर जगह पर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर क्या किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में क्या दिया हम लोग को? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सभी लोगों को याद हो गया होगा, अदरवाइज वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे, ऑलरेडी याद हो जाएगा। किस किस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया? दो चीजें, रिप्रोडक्शन और पूर्वज। रिप्रोडक्शन से ही पूर्वज रिलेटेड होंगे, तो रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, बाकी तो सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीजें अपने पास यहाँ पर हो गई जान। चलो ओके जी,
एक और चीज एनसीईआरटी के अंदर है वो क्या दिया हुआ है, 3 डोमेन सिस्टम। मतलब क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन 3 डोमेन के अंदर की गई है। 3 डोमेन का मतलब देखो, अपना जो ये मोनेरा था ना, मोनेरा, इसको तो 2 डोमेन के अंदर बांट दिया गया एंड बचे हुए सारे के सारे को 1 डोमेन में बांट दिया। ये मोनेरा कितनी डोमेन्स बना रहा है, 2 बना रहा है, बाकी बचे हुए सब के सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ 1 ही डोमेन बना रहे हैं। टोटल कितने डोमेन हो गए, 3 डोमेन हो गए। और अगर मैं किंगडम्स देखूं यहां पर तो कितनी हुई, ये तो अपने पास यहां पर 4 थी, मोनेरा कितनी बना रहा है, मोनेरा बना रहा है 2, तो कितना किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पास यहां पर हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो आरएच विटकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, किन-किन चीजों को, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल स्ट्रक्चर। इसके अलावा 3 डोमेन सिस्टम अपने पास है, मोनेरा को कितने डोमेन में बांटा गया, 2 डोमेन में बांटा गया, बचे हुए यूकेरियोट्स को कितने डोमेन में बांटा गया, 1 डोमेन में बांटा गया। तो इसके अंदर कितनी किंगडम्स हैं, 4 किंगडम हैं, इसमें कितनी, 2, टोटल कितना किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पास यहां पर हो गया। ठीक है जी, तो अपने पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाय को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सभी को, अच्छा पहले बता रहा है, इनको इंक्लूड नहीं करता, जितना भी अपना बैक्टीरिया होते थे, अपने ब्लू ग्रीन एल्गी होती थी। तुम लोग खुद से सोच के देखो कि हम लोग एनिमल्स का हमें साफ साफ दिख जाता था, जो अपने पास थोड़ा सा प्रोटिस्टा वाला जो पार्ट आ गया और जो एनिमल्स वाला पार्ट है उसको हम एनिमल्स में डालते थे। उसके अलावा बचे हुए जितनी भी चीजें हैं अपने पास, फंजाय, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वो सारी की सारी, देखो ये मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये तो ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर ही हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, अपने पास फंजाय हो गया और अपने पास बैक्टीरिया, इनको भी, फंगस को भी, इन सभी को पहले किस में माना जाता था, प्लांटी में माना जाता था। किस में माना जाता था, प्लांटी में माना जाता था, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते थे, अपने पास सेल वॉल होती थी। प्लांट्स तुम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो बचपन में तुम लोग प्लांट्स ऐसे ही पढ़ते थे ना, मैम ऐसे बोलती थी, जिसके पास सेल वॉल होगी वो प्लांटी में होगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमेलिया में हम लोगों के पास यहाँ पर होगा। तो पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटिस्टा को छोड़कर और एनिमेलिया को छोड़कर, क्योंकि प्रोटिस्टा थोड़ा सा एनिमेलिया जैसा है, उसके अलावा बचे हुए जितने भी पार्ट अपने पास हैं, सभी के सभी पार्ट को किसके अंदर डाल दिया, प्लांटी के अंदर डाल दिया। किन दो चीजों को छोड़कर, प्रोटिस्टा को एंड एनिमेलिया को छोड़कर, बाकी देखो फंगस को भी डाल रखा है, मोनेरा को भी डाल रखा है, प्लांटी किंगडम को भी डाल रखा है। तो 3 किंगडम पहले किस में आती थी, प्लांटी में आती थी, 2 किंगडम किस में आती थी, एनिमेलिया में आती थी, जब लिनियस के टाइम पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता था। लेकिन इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, देखो अपना जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी जब अपन मोनेरा पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। अब किसके अंदर ये हैं, अब ये हैं मोनेरा के अंदर। और मोनेरा कैसा होता है, मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट को किसके साथ रख दिया गया, यूकैरियोट के साथ, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये तो यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया गया, तो ये तो गलत अपने पास यहाँ पर सिस्टम हो गया। अभी अभी तो अपन बात करके आए थे कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ये देखो अभी तुमने खुद ही तो बात करी थी, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ नहीं रखना। बस इसका तो एग्जांपल ही बता रहे हैं वहां पर कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को किसके साथ में रख दिया, यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया। और दो चीजें, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, देखो अभी इन्हीं चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हो गया सबसे पहली चीज याद, दूसरा क्या था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कौन-कौन अपने पास होंगे,
Chlamydomonas and Spirogyra, unicellular and multicellular, इनको भी क्या रख दिया गया था, साथ में रख दिया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट, उस पिछले पेज के ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी याद करके आ चुके हैं, कौन सा पॉइंट अपने पास था, प्रोकैरियोट्स को किसके साथ रख दिया गया, यूकैरियोट्स के साथ, यूनिसेल्युलर को किसके साथ रख दिया गया, मल्टीसेल्युलर के साथ, और तीसरा अपने पास फोटोसिंथेटिक को किसके साथ रख दिया गया, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, मतलब अपने ग्रीन प्लांट्स को फंगस के साथ यहां पर रख दिया गया। फंगस पे कौन सी वॉल होती है, काइटिनस, ग्रीन प्लांट्स पे कैसी होती है, सेल्यूलोसिक। तो अपने पास यहां पर क्या हुआ, पहले प्लांटी के अंदर, देखो हो गया तुम लोगों को पूरा का पूरा पेज याद, पहले प्लांटी के अंदर किन किन को डाला गया था, पहले प्लांटी के अंदर डाला गया था तीन किंगडम्स, कौन कौन सी, मोनरा वाली किंगडम, प्रोटिस्टा नहीं, फंजाई वाली किंगडम, एंड तीसरा प्लांटी वाली किंगडम। इन तीनों किंगडम को पहले प्लांट्स माना जाता था, कैसे, मोनरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस के अंदर फंजाई, प्लांटी के अंदर मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो तीन किंगडम्स पहले प्लांटी में आती थी, क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किन किन चीजों में, तीन चीजों में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अपने पास यहां पर क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उनको किसके साथ रख दिया गया, यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, उनको भी क्या कर दिया गया, साथ रख दिया गया। हेटेरोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको भी क्या रख दिया गया, साथ रख दिया गया। हो गया हम लोग को यहां पर याद, तो पहले प्लांटी के अंदर कौन कौन से तीन किंगडम आते थे, बैक्टीरिया, देन हम लोग के पास वहां पर फंजाई, फंजाई के बाद अपने पास तीसरा कौन सा आ गया, प्लांटी खुद। लेकिन ये किस किस चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एग्जांपल इसका क्या है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ रख दिया गया, यूकैरियोट्स के साथ। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, क्रेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, प्लांट्स एंड फंगस, इन सभी चीजों को यहां पर साथ रख दिया गया था, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए अब क्या किया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को यहां पर दिया गया, ठीक है, जो हर चीज को इंक्लूड करता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को भी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी, रिप्रोडक्टिव चेंजेस को भी, फाइलोजेनेटिक चेंजेस को भी, सभी के सभी चीजों को अब ये वाला क्लासिफिकेशन हम लोग के पास इंक्लूड करता है, ठीक है। तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं आजकल, मोनेरा के अंदर ऑलरेडी आप लोग को टेबल में याद करवा चुकी हूं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स की स्टार्ट होती है, कौन से लेवल से, सेलुलर लेवल से, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो इसीलिए जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले एल्गी के अंदर रखे जाते थे, बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि पहले एनिमल किंगडम के अंदर रखे जाते थे। पैरामीशियम और अमीबा को कहां पर रखा जाता था, एनिमल किंगडम में। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहां पर रखा जाता था, एल्गी में। इनको कहाँ पर ला दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन ये वाली लाइन इतनी घटिया है ना, यहाँ पे कहते कुछ और हैं और अंदर खुद की एनसीईआरटी में अभी भी वो पुरानी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हम लोग एल्गी से हटा चुके हैं, पैरामीशियम और अमीबा को तो चलो तुम लोगों ने फिर भी हटा दिया एनिमल किंगडम से, लेकिन अपन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हटा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, और प्रोटिस्टा के अंदर डाल चुके हैं, यह ऐसा कह रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो अपना क्लासिफिक का क्राइटेरिया है वो चेंज होता जा रहा है। अब किस किस चीजों को इंक्लूड किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक। डन, तो इतना अपने पास हो गया। मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरा के अंदर सभी के सभी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स, कौन से यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। इसने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी में रखा जाता था, उसको किसके साथ ले आया है, अमीबा एंड पैरामीशियम के साथ ले आया है, जो कि पहले किसमें रखे जाते थे, एनिमेलिया में रखे जाते थे। तो क्राइटेरिया जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हर चीज अपने पास यहां पर चेंज होती जा रही है। किन किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव, इवोल्यूशनरी, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इन सभी के सभी कैरेक्टर्स का यहां पर यूज किया जा रहा है, इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा है,
ठीक है। इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई पढ़ेंगे। बाकी प्लांटी जो अपने पास है और जो एनिमेलिया हम लोग के पास है, वो दोनों के दोनों बिल्कुल अलग दिए गए हैं, दोनों के दोनों चैप्टर अपने पास अलग हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है किंगडम मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा कौन? मोनेरा के अंदर, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ही इसके राजा होते हैं, राजा होते हैं बैक्टीरिया। हर जगह पर बैक्टीरिया होते हैं यार, तुम लोग को सबको पता है। These are the most abundant, हर जगह पर तुम लोग को मिलेंगे। मिट्टी ऐसे उठाओगे ना, अभी जमीन से उठाओ ऐसे मिट्टी, जरा सी मिट्टी उठाओगे तुम लोग को उसके अंदर ही hundreds of bacteria तुम लोग को मिल जाते हैं, पता है, hundreds of bacteria। तो अब तुम लोग कहोगे दी ऐसे क्या हर जगह पर bacteria present हैं, तो इसका मतलब तो ये extreme habitats के अंदर भी रह सकते हैं, चाहे hot springs हो, चाहे deserts हो, चाहे snow हो, चाहे deep oceans हो, कितनी ही extreme conditions आ जाए, सभी conditions के अंदर इसका मतलब तो ये survive कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये survive कर सकते हैं। तो kingdom monera अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, bacteria। इनके क्या होते हैं, bacteria are the sole members, सबसे ज्यादा अबंडेंट अपने पास होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम जरा सी मिट्टी उठाओगे तो हंड्रेड्स में तुम लोगों को मिलेंगे, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, चाहे हॉट स्प्रिंग्स में कह लो, डेजर्ट्स में कह लो, स्नो में कह लो, डीप ओशंस में। अब इसको रटने की जरूरत थोड़ी ना, अब तुम लोग को पता है ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं, तुम लोग थोड़ी ना रह सकते हो वहां पर। कुछ लोग कहेंगे नहीं दी हम मोटी वाली जैकेट पहन के चले जाएंगे, पढ़ाने ना देना मतलब मुझे, है ना। ओके, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, पैरासाइट्स के फॉर्म में भी ये रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम के सबसे मेंबर, सोल मेंबर कौन होते हैं, बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा अबंडेंट एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, सोयल उठाओगे तो हंड्रेड्स मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशन में, पैरासाइट्स की फॉर्म में। अब इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, हाइनिमेरा कोका। तो बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के बेसिस पर, ये जो अपनी शेप यहां पर होगी ना, इसके बेसिस पर इसको फोर कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, बैक्टीरिया बोलेगा हाई नहीं मेरा कोका, इसका कोका देखो ऐसे ही होते हैं, कोके भी ऐसे ही होते हैं कोके। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या हो गई, कॉकस। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया यहाँ पर, बेसिलस। बेसिलस अपने पास यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट अपने पास देखो स्पायरल शेप अपने पास यहाँ पर है, तो क्या हो गया, स्पायरला अपने पास यहाँ पर हो गया। और ये अपने पास विब्रियो, विब्रियो ये देखो बेस ही तो है एक तरीके से, बेस मान लो तुम लोगों को कुछ पीना है तो बेस ही है ये एक तरीके से अपने पास। तो कॉकाए, बैसिलस, स्पिरेलम, विब्रियो, नाम से ही इनके स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी याद हो रहे हैं। हाई नहीं मेरा कोका, हाई नहीं तेरा कोका, बेसिलस बेबी को बेस पसंद है, स्पायरला स्पायरल शेप का है, फ्लैजिलम यहाँ पर प्रेजेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स प्लीज ध्यान से करें, दीज आर स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें फ्लैजिला स्पायरल शेप का है ना, वैसे ही स्पायरल शेप का है, दिस इज विब्रियो। तो शेप के बेसिस पर प्लीज को ध्यान रखें, किसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है, शेप्स के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो बेस्ड ऑन द शेप, कॉकस स्फेरिकल शेप का, बैसिलस कैसा दिख रहा है आपको, देखो ऐसे रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है, रॉड शेप का। विब्रियम कैसा दिख रहा है आपको, विब्रियो कोमा शेप का, तो विब्रियम कैसा हो गया, कोमा शेप का। एंड स्पिरलम कैसा हो गया, स्पायरल शेप का। तो बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के बेसिस पर उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट ये होते हैं, हैंडफुल ऑफ सोइल में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग को मिल जाते हैं, चलो ठीक है जी। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ये चुन्नू चुन्नू से तो है, देखो चुन्नू चुन्नू से है, इनके स्ट्रक्चर में क्या ही दिक्कत होगी, लेकिन बहुत जितने छोटे उतने खोटे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बिहेवियर के अंदर। ओहो, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये शो करते हैं एज अ ग्रुप। आधे लोगों को आपसे अगर पूछा जाए कि मोनेरा के अंदर क्या सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो होती है, नहीं, ठीक है। अगर आपको एज अ किंगडम पूछा जाए तो एज अ किंगडम ये नहीं आएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी पे इस वर्ड को कोई ध्यान से फोकस नहीं करता कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के अंदर एज अ ग्रुप प्रेजेंट होती है। मोनेरा के अंदर सिर्फ एज अ ग्रुप जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोली गई है, किंगडम नहीं बोला गया है यहाँ पर। तो इस वर्ड पे इस लाइन को कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं तो अपने पास यहां पर
बहुत डिफरेंसेस होंगे, कुछ ऑटोट्रॉप्स होंगे, कुछ हेटरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है जी, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाए या फिर जो केमिकल से खाना बनाए, तो फोटोसिंथेटिक एंड कीमियोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉप्स अपने पास कैसे हो सकते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें या फिर मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करें, वो अपने पास हो सकते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, जितने छोटे उतने ही छोटे, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। एज अ ग्रुप ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। कुछ क्या हो गए हम लोग के पास, फोटोसिंथेटिक, कुछ क्या हो गए, कीमियोसिंथेटिक। कुछ अपने पास ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जाकर बैठते हैं, कुछ डेड मैटर के, अदर ऑर्गेनिजम्स पे जाकर बैठते हैं, कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जाकर बैठते हैं। तो ये अपने हो गए बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया दो क्लासिफिकेशन अपने पास यहां पर बैक्टीरिया की है, वन इज द आर्की बैक्टीरिया, अनदर वन इज द यू बैक्टीरिया। यू वाला बैक्टीरिया, यू वाला जो यू बैठा, यू बैठा, यहाँ पे बैठा। तो अपने पास क्या हो गया, दो चीजें अपने पास हो गई। वन इज द आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या करता है, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर भी ये रह लेता है। अगर बहुत ज्यादा सॉल्टी बात करूं तो सॉल्टी कंडीशंस आपने पढ़ी है, हेलोफिल्स, बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस। देखो यार, एक्सट्रीम हैबिटेट्स, आप सभी लोगों को पता है कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स होगी कौन सी, जिसमें तुम लोग खुद नहीं रह सकते। अब मान लो किसी ऐसे ओशन में तुम लोग को जाकर पटक दूं जहां पे इतना ज्यादा सॉल्ट है, रह पाओ वहां पर, ऑस्मोसिस तुम लोग का मेंटेन रह पाएगा वहां पर, ऑस्मोटिक कंडीशन सब बिगड़ जाएंगी। तो हेलोफिल्स अपने पास, हेलोफिल्स अपने पास सॉल्टी एरियाज वहां पर हैं। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट से ही पता चल रहा है, थर्मल टेम्परेचर, थर्मो एसिडोफिल्स। और मार्शी एरिया के अंदर क्या होता है, मार्शी एरिया के अंदर मेथेनोजेंस, मार्शी एरिया के अंदर अपने पास यहां पर क्या होंगे, मेथेनोजेंस हम लोगों के पास यहां पर होंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, हार्श हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनका सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये इतने हार्श हैबिटेट्स के अंदर रह पाते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं किसी भी हार्श हैबिटेट के अंदर क्यों रह पाऊंगी, वहाँ पर मैं क्यों एग्जिस्ट कर पाऊंगी, अगर मेरे ऊपर एक अच्छे से कोटिंग करवा दी जाए, मेरे ऊपर एक अच्छे से लेयर चढ़ा दी जाए, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स के अंदर भी रह पाऊंगी। तो आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हार्श हैबिटेट के अंदर रहते हैं। इनके पास क्या होता है, एक अलग ही डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहां पे इनके पास प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या चीजें हो गई, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज मेथेनोजेंस अपने पास यहां पर हो गए। तो किसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये, अपने पास इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। काफी सारे रूमिनेंट एनिमल्स, काउज और बफेलोज के गट में ये प्रेजेंट होते हैं। वहां पर क्या करेंगे, डंग से उन मीथेन बायोगैस का प्रोडक्शन अपने पास वहां पर कर देंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा हार्श हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। इनका क्या होता है, एक अलग ही सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या अपने पास हो गए, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस, मार्शी एरियाज। किसके अंदर ये अपने पास, किसकी गट में मिलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स काउज एंड बफेलोज की डंग के अंदर मिलते हैं, उनकी गट के अंदर मिलते हैं। डंग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। हम लोग को पढ़ते हुए आधा घंटा हो गया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मिनट का समय दे रही हूँ, एग्जैक्टली एक मिनट का समय। इसमें आप लोगों को पानी पीना है या फिर जो भी पीना है, ठीक है, पी लो, जो आपको करना है वो कर लो। ताकि फिर मैं आगे बढ़ाऊं, तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक तो मिलना चाहिए ना। अपने 24 पेजेस देखो हो गए हैं, ठीक है, टोटल अपने पास पेजेस कितने हैं, टोटल अपने पास 79 पेजेस हैं। तो 24 पेजेस अपने पास यहां पर हुए हैं, राइट। तो डेढ़ घंटे में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी।
आई गेस यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। देखो यार, 1.5 घंटे में अगर मैं चैप्टर आप लोग को पढ़ा दूंगी, उसके बाद फिर 1.5 घंटे के बाद तुम लोग खुद से इस चैप्टर की रिवीजन करोगे, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर मस्त रिवाइज होके तुम लोग को याद हो जाएगा, 3 घंटे में डन। उसके बाद बचा हुआ जितना भी कॉन्टेंट मैंने दे रखा है ना, वो सारा ईजिली तुम लोग 1.5 घंटे के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 घंटे के अंदर तुम्हारी बायोलॉजी तुमने पढ़ भी ली, तुमने याद भी कर ली, तुमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, पैक करके चैप्टर एक एक डेली रखते जाओ मस्त तरीके से। बायो के अंदर कोई रोक ही नहीं पाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास यहाँ तक, आर्की बैक्टीरिया तक खत्म। चलो अब आगे पढ़ते हैं यार हम लोग यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया, अपने पास ट्रू बैक्टीरिया यहाँ पर है। अब यार वॉल तो इनकी अच्छी होंगी, सेल वॉल तो बैक्टीरिया के अंदर अच्छी होगी, तो ठीक है, सीधी सी बात है, सेल वॉल इनके अच्छी होती है। और अगर मोटाइल इनको बनना है तो फ्लैजेलम अपने पास यहाँ पे होता है। स्पिरुलिना में देखा था ना फ्लैजेलम, स्पिरुलिना में देखा था कि नहीं देखा था, ये देखा था अपन ने स्पिरुलिना के अंदर फ्लैजेलम, तो इनके अंदर क्या होता है, हम लोग के पास फ्लैजेलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला अपने पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया है साइनोबैक्टीरिया का, जिसका नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया दैट रेफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक अपने पास यहाँ पर होती है। देखो इस वाले पेज को मैं यहाँ से ना करवाने की बजाय इस पेज से आप लोग को याद करवाना चाहूंगी। तो यू बैक्टीरिया अपने पास क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया हम लोग के पास होते हैं। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। देखो बैक्टीरिया के पास तो सबके पास ही एक रिजिड सेल वॉल है, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर इनको नागिन डांस करना है, नागिन नागिन, तो उस केस के अंदर इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेलम इनके पास प्रेजेंट होता है। अब डाइवर्सिटी तो ये दिखाएंगे ही, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे, ऑटोट्रॉप कौन कौन से हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमियोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉप्स उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक एंड कीमियोसिंथेटिक। कीमियोसिंथेटिक का मतलब केमिकल्स से चीजें बना रहे होंगे। ये हम लोग के पास यहाँ पर क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज हम लोगों के पास यहाँ पर करेंगे। ऑक्सीडाइजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, इनको हम लोग क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज करेंगे। उनके ऑक्सीडेशन से अपने पास यहां पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उससे ही एटीपी बनेगा। तो अब अगर इन चीजों का ये यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब रिसाइकलिंग ये कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का, सल्फर का, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स का ये हम लोग के पास रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो अपने पास क्या हो गया, यू बैक्टीरिया। क्या क्या हो सकता है यू बैक्टीरिया के अंदर, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कितने तरीके के, फोटोसिंथेटिक एंड कीमियोसिंथेटिक। कीमियोसिंथेटिक का मतलब केमिकल्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उनके एनर्जी रिलीज करते हैं, उससे एटीपी का प्रोडक्शन अपने पास होता है। अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा था, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी। खाना क्यों खाते हैं, एटीपी प्रोडक्शन के लिए खाना खाते हैं ना, अपने को एटीपी चाहिए होती है इसीलिए खाना खाते हैं। तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज अपने पास करता है, एटीपी का प्रोडक्शन हम लोगों के पास यहां पर होता है, तो हो गया एटीपी का प्रोडक्शन। दूसरा अपने पास क्या था हम लोगों का, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अपने क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर अपने पास होगा। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, नागिन नागिन ये भी कर सकते हैं, हर तरीके के ये हो सकते हैं। अगर कॉलोनियल होंगे, अब कॉलोनी में अगर तुम रहते हो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में, तो वहां पर चार दीवारी होती हैं कि नहीं होती हैं, एक शीत होती है कि नहीं होती है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, एक शीत प्रेजेंट होगी, जेलेटिनस शीत प्रेजेंट होगी अगर कॉलोनियल अपने पास यहां पर होगा। तो क्या हो गया हम लोग के पास, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स की बात बाद में करेंगे। दो चीजें अपने पास बची, क्या क्या, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग के पास यहां पर हो गया, क्लोरोफिल ए, यूनिसेल्युलर कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस। कॉलोनियल अपने पास यहां पर है, तो कौन सी शीत हमारे पास हो गई, जिलेटिनस शीत हम लोग के पास यहां पर हो गई। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मेराइन में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकते हैं, और
कहाँ पर क्या करते हैं ये हम लोग के पास, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी देखी है कि नहीं देखी है? पॉल्यूटेड जो जो तालाब तुम लोग के खराब हो जाते हैं वहाँ पे एल्गी देखी है? तो सीधी सी बात है, फॉर्म्स ब्लूम्स पॉल्यूटेड वाटर के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लूम्स बनाएंगे। और पांचवा फंक्शन क्या कर सकते हैं ये, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं किसके अंदर, हेटेरोसिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल है नॉस्टक एंड एनाबीना। इस पेज को फटाफट से याद करते हैं। यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया, ट्रू बैक्टीरिया। रिजिड सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नागिन डांस करने के लिए फ्लैजिलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉप्स के अंदर फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। और तीसरे हेटरोट्रॉप्स की बात बाद में। इसके अंदर क्या क्या हो गया, साइनो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। कॉलोनियल होगी तो एक बाहर शीत बनी हुई होगी। कैसी शीत, जेलेटिनस शीत। फ्रेश वाटर, मैराइन, टेरेस्ट्रियल। और क्या करता है, वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम्स देखी है ना, अपने आप फंगस बोल रही हूँ, अपनी तालाब वगैरह के अंदर वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी लग जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे अपने पास है, दैट इज दिस, these form blooms in the polluted water. Polluted water के अंदर ये क्या बनाते हैं, blooms बनाते हैं। fix nitrogen in the heterocyst. heterocyst के अंदर nitrogen fixation होती है। nostoc and anabina हम लोग के पास क्या हो गए, example यहाँ पर हो गए। so this is most important, nitrogen fixation in the heterocyst, nostoc and anabina। कीमोसिंथेटिक केमिकल्स उनको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। रिसाइकल भी हो जाएंगे ये, बिना बात वेस्ट होते रिसाइकल भी हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे अपने पास आते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तुम लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया अपना काम खुद जाके करेंगे, अपना खाना खुद बनाते होंगे? कहीं नहीं बनाते होंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक ही जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वही क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने सबसे ज्यादा अबंडेंट अपने पास होते हैं। और ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब दूसरे के ऊपर बैठकर खाते होंगे तो डीकंपोज भी कर देंगे साथ में चीजों को, तो इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स होते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग को मिल्क बनाना है अपना, सॉरी कर्ड बनाना है मिल्क से, एंटीबायोटिक्स बनवानी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना है, ये सारे के सारे काम अपने को करके दे देता है। तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ काम ही करके देता होगा, पैथोजन के रूप में काम नहीं करता होगा क्या, ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म फील्ड्स को और पेट्स को हार्म नहीं पहुंचाता होगा? बिल्कुल पहुंचाता है। तो क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये वेल नॉन डिजीज हैं जिस जो बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या हो गए, दीज आर मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरे को ऐसे खा रहे होते हैं, चपर चपर खा रहे होते हैं अपने पास। तो हेटरोट्रॉप्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। ह्यूमन अफेयर्स में कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं, दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में, साथ में कुछ डिजीज भी करवा देते हैं। कौन कौन सी डिजीज करवा देते हैं, टी सी बैक्टीरिया क्या कह रहा है, गाइज प्लीज टेक केयर, टेक केयर गाइज, टेक केयर। टी सी तो बैक्टीरिया आपको बार बार बोल रहा है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। टाइफाइड क्लोरेला, टी सी। टेटनस एंड सिट्रस कैंकर, टी सी। टेक केयर गाइज, मैं ये बीमारियां कर सकता हूँ। तो क्लोरेला, टाइफाइड क्लोरेला, टेटनस, सिट्रस कैंकर, टी सी। चलो ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के बारे में इसके अंदर बात कर लेते हैं। अगर रिप्रोडक्शन अपनी वैसे कैसे होती है, फ्यूजन से होती है। एक बैक्टीरिया है, बचपन से ऐसे ही तो सुनते आए हो अपने पास, क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, ऐसे ही सुनते आए हो, ठीक है। अब बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड कर जाता है, लेकिन तुम ये भी सुनते आए हो कि अगर फेवरेबल कंडीशंस तुम्हारे पास यहाँ पर ना हो तो किससे अपने पास ये डिवाइड करता है, स्पोर्स वहाँ पर बनवा लेता है, ठीक है। अगर मैं सेक्सुअली बात करूँ तो सेक्सुअली कैसे होगा, दोनों यहाँ पर मिलेंगे, प्रिमिटिव डीएनए को वो उठा लेगा, तो ये सेक्सुअली अपने पास यहाँ पर हो गया। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ह्यूमन अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो गई, कर्ड बनवाने में, एंटीबायोटिक्स बनवाने में,
नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में डैमेज भी कॉज करते हैं। टीसी, टाइफाइड, क्लोरेला, टेटनस, सिट्रस कैंकर। रिप्रोडक्शन वैसे किससे होगी? जनरली फ्यूजन से, लेकिन साथ में अनफेवरेबल कंडीशन में किस चीज की फॉर्मेशन कर रहे होंगे? स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। सेक्सुअली कैसे होगा? प्रिमिटिव डीएनए को उठाकर ये कर रहे होंगे। इसके बाद अपना एक माइकोप्लाज्मा भाई आता है, जिसके पास ना तो सेल वॉल है, उसके बावजूद भी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, छब से चुन्नू सा, ना ऑक्सीजन की जरूरत भाई को, मतलब मोह माया से खत्म है, दूसरों के ऊपर बैठा रहता है चिपक के, दूसरों की जिंदगी पे जितना छोटा उतना ही खोटा ना, सबसे छोटा है, दूसरों की जिंदगी में चिपक के बैठा रहता है, ना ऑक्सीजन की जरूरत, ना इसको शर्म आती है, ना इसको वॉल मतलब अपनी छत वत कुछ बना रखी है, अपना घर कुछ नहीं बना रखा, दूसरों के ऊपर चिपका रहता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या हो गया? जितना छोटा उतना खोटा। क्या है ये हम लोग के पास? छोटा है। शर्म वरम नाम की चीज इसके अंदर नहीं है, इसीलिए सेल वॉल इसके पास नहीं है, दूसरों के ऊपर चिपका रहता है और ऑक्सीजन के बिना भी मस्त काम चल रहा है भाई का। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लैक सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पैथोजेनिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। यहां पर हम लोगों की किंगडम मोनेरा जो है वो खत्म होती है। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। अब कुछ यहाँ से अपने यूकेरियोट्स की शुरुआत होती है। इन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए कि हमारा तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, कौन हमारे अंदर आता है, कौन हमारे अंदर नहीं आता है। इनको बेचारों को उतना ज़्यादा पता ही नहीं चल पा रहा था। तो इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हैं। सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स अपने पास यहाँ पर आते हैं। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड हम लोगों के पास यहाँ पर नहीं होती हैं। क्या क्या आएंगे इसके अंदर? क्राइजोफाइल, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम, मोल्ड्स, प्रोटोजो, इनको पढ़ेंगे। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहाँ तुम्हें क्या याद रखना है? यहाँ ये याद रखना है कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कोई उसको हो सकता है कि मैं कहूँ कि ये प्रोटिस्ट है और तुम कहो नहीं नहीं ये प्रोटिस्टा नहीं है, ये एनिमल है। तो कोई कहे नहीं नहीं ये प्लांट है, मतलब इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, किसी को ये कुछ लगता है, किसी को ये कुछ लगता है। बाकी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होते हैं ये तो आपको पता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी तो डिस्कशन अपन करेंगे ही। ठीक है, तो ये क्या करता है? दूसरों के साथ बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, दूसरों के साथ लिंक बना रहा होता है। हालांकि ये अपने पास पानी के अंदर रहता है, प्राइमरीली एक्वाटिक होता है। डाई एटम्स वगैरह पढ़ोगे, समंदर में ही पढ़ोगे ना, समंदर में ना के और भी नमकीन हो गई हूँ। अभी जब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ से क्राइजोफाइट से डाई एटम्स, एल्गी, ओशन के अंदर ही तो पढ़ना स्टार्ट करोगे। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ओशंस अगर ओशंस कह रहे हैं इसका मतलब कहाँ पे रहते होंगे? ये पानी के अंदर रहते होंगे। फ्लैजेला भी होता है इनमें। अब पानी में रहते तो फ्लैजेला सीलिया तो होना ही पड़ेगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगी? सेक्सुअली सेल फ्यूजन अपने पास होगा, एसेक्सुअली सेल का फ्यूजन हो गया, दो सेल आकर जुड़कर मिल गए, एसेक्सुअल हो गया। और जाइगोट जब बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास होती है। अपने वाले केस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटिस्टा अपने पास क्या हो गया? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूकेरियोट्स, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी वेल डिफाइंड बॉडी अपने पास होती है। यहां पर फ्लैजेला होते हैं, सीलिया होते हैं, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ये लोग रह रहे होते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या हो गया? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स यहां पर हो गए। बाउंड्रीज इनकी वेल डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो प्रोटिस्टा आर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ये प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी होती है, फ्लैजेला सीलिया होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं, एसेक्सुअली क्या होगा अपने पास? यहां पर सेल का फ्यूजन। सेक्सुअली क्या होगा अपने पास? यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअली सेल फ्यूजन, सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन। ये हम लोग के पास यहां पर इंट्रोडक्शन हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।
चलो ठीक है, मस्त प्रोटेस्ट कर लिए तुम लोगों ने, अब स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा को पढ़ना। नंबर वन आर द क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या इंक्लूड करता है हम लोगों के पास? डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेसमिड्स। दो चीजें अपने पास यहां पर, रोना स्टार्ट मत करना अब। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स, इसने क्राई कह दिया तो तुम भी मत क्राई करने लग जाना। डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी कहां पर रहते हैं? अपन ब्लू है पानी, पानी ओशन के अंदर, समंदर के, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, तो इसका मतलब पहले फ्रेश वाटर में तो नहाती ही थी, अब समंदर में भी नहाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो फ्रेश वाटर में भी होती है, मैराइन एनवायरमेंट्स में भी होती है। तो क्राइजोफाइट्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए? डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेसमिड्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट हो हैं, चिन्नू चिन्नू से होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते रहते हैं। समंदर में कौन देने जाएगा इनको खाना? फोटोसिंथेटिक तो इनको खुद ही होना पड़ेगा ना, खुद खाना बनाना पड़ेगा, दूसरा इनको इंडेस्ट्रक्टेबल भी होना पड़ेगा। तो ये कैसे होते हैं? इनके अंदर ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, सिलिका यहां पर एम्बेडेड होती है, सिलिका होने की वजह से ये डिस्ट्रक्टेबल नहीं होते। डाय एटम्स अपने पास डिस्ट्रक्टेबल, इंडेस्ट्रक्टेबल वॉल्स इनकी यहाँ पर होती हैं। अगर डाय एटम, इसका मतलब डिपॉजिट होते जाएंगे किसी अर्थ में, तो वहाँ पर डाय एटम डिपॉजिट ही होते रहेंगे, कभी ख़त्म तो वो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टेबल तो है ही नहीं, तो कैसी अर्थ बन जाएगी? डाय एटमिशियस अर्थ बन जाएगी, खुरदरी खुरदरी सी। तो पॉलिश करनी हो तुम्हें, फिल्ट्रेशन करना हो ऑयल या सिरप्स का, यूज़ कर लेना इसको। ओशंस के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक अपने पास यहाँ पर होते हैं। चलो अब याद करते हैं फटाफट से क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के अंदर क्या क्या आ गए हम लोग के पास? क्राइजोफाइट्स के अंदर आएंगी दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें? डाय एटम्स एंड डेसमिड्स। कौन कौन सी दो चीज़ें फटाफट से, कमॉन गाइस। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स में डाय एटम्स एंड डेसमिड्स। डाय एटम्स एंड डेसमिड्स क्या होंगी? गोल्डन एल्गी, ये तो वैसे ही गोल्डन है, गोल्डन को तो छोड़ो, गोल्डन को तुम्हारो, गोल्डन का कहाँ हम लोग पढ़ते फिरेंगे, डाई एटम्स के बारे में ही मेनली अपने को यहाँ पर पढ़ना है। अब क्राइजोफाइट्स कहाँ पर रहते हैं? समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हूँ, तो रो रही थी बेचारी, कह रही थी समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हूँ, तो फ्रेश वाटर में भी रहती है, मैराइन वाटर के अंदर भी रहती है, माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं तभी तो अपने पास क्या होते हैं ये, तभी तो यहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं समंदर के अंदर, ठीक है। दूसरा, इस पे ओवरलैपिंग शेल्स ये बना रहे होते हैं जिनके ऊपर सिलिका होती है, सॉप बॉक्स अपने पास हो गया, ओवरलैपिंग शेल्स, सॉप बॉक्स, सिलिका होती है, सिलिका की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। अब डिस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहे तो सदियों सदियों, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या करते जाएंगे? डिपॉजिट करते जाएंगे, गिरते जाएंगे, जिसकी वजह से अर्थ कैसी बन जाएगी? डाई एटमिशियस बन जाएगी, ग्रिटी सोयल, जिसको पॉलिश के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए यूज किया जा सकता है। कम ऑन, इस पेज को फिर से रिवाइज करते हैं। तो डाय क्राइजोफाइट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, मेरे साथ रिपीट करो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें? डाय एटम्स एंड डेसमिड्स, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट के अंदर आपको ये माइक्रोस्कोपिक पैसिवली फ्लोट करते हुए मिलेंगे, खुद का खाना भी बनाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। डाय एटम्स की बात करूं तो उनके अंदर क्या होता है? ओवरलैपिंग शेल्स, सोप बॉक्स, बॉक्स अपने पास यहां पर हो गया, जिनके ऊपर एक कवरिंग अपने पास होती है, सिलिका वॉल्स की कवरिंग यहाँ पे हमारे पास होती है, इंडेस्ट्रक्टेबल ये अपने पास होती है, इंडेस्ट्रक्टेबल होने की वजह से सदियों तक ये डिपॉजिट होती रहेगी। डाय एटमिशियस अर्थ, ग्रिटी सोइल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, जिसको पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्राइजोफाइट्स हम लोगों के यहाँ पर डन, हम लोग वन बाय वन करके सारे पढ़ रहे हैं। क्राइजोफाइट्स सभी लोगों को याद, डेसमिड्स, डाय एटम्स एंड गोल्डन एल्गी हम लोग के पास हो गई। नेक्स्ट अपने पास क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला कह रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाय का मतलब दो, तो इसका मतलब यहां पर क्या होंगे? दो फ्लैजिला होंगे, एक कैसा? लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कैसा? ट्रांसवर्स अपने पास हो गया, तो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स, ये सेल वॉल प्लेट्स हैं, उनके बीच के, फ्यूरो के बीच में ये
घुस जाता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो का मतलब दो, दो फ्लैजिला, एक कैसा होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा कैसा होगा ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। प्लीज इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखें। चलो ठीक है, ये तो अपने को यहाँ पर याद हो गया। अब देखते हैं ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक अपने पास होते हैं। खाना तो देखो समंदर के अंदर रहकर मैराइन होके खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्राइसोफाइट्स ने भी खाना खुद ही बनाया था, वो चीफ प्रोड्यूसर्स डाई एटम्स थे, डाई एटम्स वर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। याद है ना तुम लोग को, हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। चलो ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स, मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, याद हो गया तुम लोग को। दो फ्लैजिला इसके अंदर होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स अपने पास यहां पर हो गया। इसके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स अपने पास यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग कलर यहां पर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग कलर दे रहे होते हैं, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड। डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर सेल्यूलोज की प्लेट्स भी अपने पास होती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल हो गया गॉन्यूलेक्स, गॉन्यूलेक्स। अब रंग बिरंगे तो ये हैं ही, गॉन्यूलेक्स कैसा होता है, गॉन्यूलेक्स होता है लाल, रेड, रेड दिखने लग जाता है सी, तो इसीलिए सी रेड दिखेगा। वहाँ पर जो तरंगे अपने पास आएंगी तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, रेड टाइड्स। लेकिन गॉन्यूलेक्स क्या करता है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है। अब टॉक्सिन्स रिलीज करेगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म मरेंगे ही मरेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होंगे, क्राइसोफाइट कैसे होते थे, क्राइसोफाइट फ्रेश समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हूँ, तो पहले तो अपने पास कम से कम नहाती तो थी वो, तो इसका मतलब फ्रेश वाटर भी वहाँ पर था और साथ में समंदर में नहाने की वजह से मैराइन भी था। यहाँ पर मोस्टली कैसा होता है, मैराइन, फोटोसिंथेटिक तो होना ही होना पड़ेगा, पिगमेंट्स की वजह से ये रंग बिरंगे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गॉन्यूलेक्स का, जो कि रेड अपने पास यहां पर होते हैं, उनकी वजह से रेड टाइड आ जाती हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को भी मार रही होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, वन इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड अनदर वन इज द ट्रांसवर्स व्हिच लाइज इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और वो वॉल प्लेट्स कैसी हैं, स्टिफ सेल्यूलोजिक वॉल प्लेट्स अपने पास यहां पर हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्या क्या हो गया, मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट्स की वजह से रंग बिरंगे, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड। एग्जाम्पल क्या हो गया, गॉन्यूलेक्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, रेड टाइड्स, जो कि दूसरे एनिमल्स को मार देता है। डाइनोफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स इज बिटवीन द फ्यूरो ऑफ द वॉल प्लेट्स। और वॉल प्लेट्स कैसी है, सेल्यूलोजिक वॉल प्लेट्स हम लोगों के पास यहाँ पर हैं। तो क्राइसोफाइट्स अपने हो गए डाई एटम्स एंड डेसमिड्स अपने पास यहाँ पर हो गए। दूसरा हम लोग के पास क्या था, दूसरा हम लोगों के पास यहाँ पर था डाइनोफ्लैजिलेट्स, गॉन्यूलेक्स। नेक्स्ट अपने पास आते हैं युग्लिनॉइड्स। युग्लिनॉइड्स के अंदर अपने पास क्या होगा, युग्लिना, युग्लिना। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम लोग कहाँ कहाँ पर छोड़कर आए थे चीज़ों को, सबसे पहले हम लोग का मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा था, जो क्राइसोफाइट्स हमारे थे, क्राइसोफाइट्स मैराइन एनवायरनमेंट में थे, साथ में फ्रेश वाटर में भी थे। उसके बाद आए डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट मैराइन में रह गए। अब आ गए युग्लिनॉइड, तो मैराइन में तो डाइनोफ्लैजिलेट है, तो इनको कहाँ पर रख दो, इनको फ्रेश वाटर में रख दो। तो ये कैसे होते हैं अपने पास, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टैगनेंट वाटर के अंदर मिलते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात ही हम लोग के पास है। तो अपने पास क्या हो गया, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हम लोग के पास होते हैं, स्टैगनेंट वाटर के अंदर रहते हैं। लेकिन ये भी डाइनोफ्लैजिलेट्स से ही इंस्पायर होकर दो फ्लैजिला लगते हैं, एक छोटा दूसरा लंबा, एक शॉर्ट दूसरा लॉन्ग। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी बॉडी मस्त फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है, किसकी वजह से, इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू गाइज कैन एक्सपेक्ट इन नीट 2021। इसको स्टार मार्क करके लिख लो यहाँ पर, नीट 2021 पेपर लीक। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी नहीं आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, और कोई कराना, इसकी जगह कोई और आएगा वो कराना, पढ़ा तो रही हूँ सब कुछ, है ना।
बहुत तेज हो रहे हो दीदी. अरे तेज तो बड़ा बचपन से थे. तो यूग्लेनॉइड्स, तो यूग्लेनॉइड्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गया. देखो यार, वैसे तो 15-20 मिनट बात भी मारी जा सकती है बीच बीच में, मैं बकवास भी कर सकती हूँ, हंसा भी सकती हूँ, बट सीरियसली आई वॉन्ट कि हम लोग मतलब वो कर रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग इस चीज़ को. एक सेकेंड, शिट, ये क्या हुआ. तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया कि टाइम वेस्ट तुम लोग का बिल्कुल भी ना हो, तो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाती है कि हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हों. तो यूग्लेनॉइड्स के अंदर क्या क्या हो गया. फ्रेश वाटर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है. पेलिकल हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल हम लोगों ने यहाँ पर देख ली. और ये अपने डाइनोफ्लैजेलेट से इंस्पायर होकर, तो दो फ्लैजेला इसके अंदर होते ही हैं, एक अपने पास शॉर्ट, एक अपने पास यहाँ पर लॉन्ग. अच्छा, अगर इनको अब समंदर में तो रहते नहीं, समंदर में नहीं रहते तो अगर लाइट दोगे तो फोटोसिंथेटिक बन जाएंगे, और लाइट नहीं दोगे तो हेटरोट्रॉप बन जाएंगे, दूसरों के ऊपर प्रेडेट करेंगे जाकर बैठकर, प्रेडेशन करेंगे दूसरों के ऊपर जाकर बैठकर. कितने मस्त लोग हैं ये, मस्त है एकदम. तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, यूग्लेनॉइड्स. यूग्लेनॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में. फ्लैक्सीबल ये होते हैं, किसकी वजह से फ्लैक्सीबल होते हैं, पेलिकल की वजह से ये फ्लैक्सीबल होते हैं. डाइनोफ्लैजेलेट्स की तरह ही इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, शॉर्ट एंड द लॉन्ग वन. दो फ्लैजिला अपने पास यहाँ पर हो गए, एक शॉर्ट एक लॉन्ग यहाँ पर हो गया. अगर सनलाइट दे दोगे तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर प्रीडेट करके अपना काम यहाँ पर चला लेंगे. और इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स जैसे होते हैं. यूग्लिना एक एग्जांपल अपने पास यहाँ पर हो गया. चलो याद करते हैं फटाफट से. तो यूग्लिनॉइड्स क्या हो गए, सबसे पहली बात, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, और इनके पिगमेंट्स प्लांट्स से मिलते जुलते हैं. यूग्लिनॉइड्स अच्छे पानी में रहना चाहते हैं, अपने पेड़ पौधे भी तो अच्छे पानी में रहना चाहते हैं, तो इनके अपने किससे कैरेक्टर मिलते हैं हम लोगों के पास, हम लोग के प्लांट्स से इनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं. इनके अंदर क्या हो गया, पेलिकल अपने पास यहाँ पर हो गया, प्रोटीन रिच लेयर हम लोग के पास यहाँ पर होती है जो कि बॉडी को क्या बना रही होती है, फ्लेक्सिबल हम लोगों के पास यहां पर बना रही होती है. डाइनोफ्लैजेलेट से इंस्पायर होकर ही दो फ्लैजेला, शॉर्ट एंड लॉन्ग. सनलाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट नहीं दोगे तो हेटरोट्रॉप्स बन जाएंगे, प्रीडेट कर लेंगे. एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया यूग्लिना. नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स हम लोग के पास क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर द सेपरोफिटिक प्रोटिस्ट. स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, सेपरोफिटिक प्रोटिस्ट अपने पास यहां पर होते हैं, और ये कैसे मूव करते हैं, डिकेइंग ट्विग्स एंड एंगल्फिंग फूड मटेरियल. मतलब अगर शूटेबल कंडीशन यहाँ पर होती है तो ये प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और अगर शूटेबल कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है तो शूटेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं जिनकी ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, तभी तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं क्योंकि वो सर्वाइव कर पाएंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में, इसीलिए बनते हैं. और एयर करंट से उनको क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है. तो स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स क्या हो गए, सेप्रोफिटिक अपने पास यहां पर हो गए, डीके ऐसे एनगल्फ करते चलेंगे. सेप्रोफाइट्स तो यही करते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हुए चलेंगे, डिकेइंग ट्विग्स एंड एनगल्फिंग फूड मटेरियल. तो स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स अपने पास कैसे हो गए, सेप्रोफिटिक, डिकेइंग ट्विग्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. स्लाइम मोल्ड, डिकेइंग ट्विग्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. सूटेबल कंडीशन अगर अपने को दे दो तो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन दोगे तो फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. स्पोर्स की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि उनके पास वॉल्स होती हैं जो उनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बना देती हैं, और एयर करंट्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, एयर करंट्स की हेल्प से ये डिस्पर्स करते हैं.
फाइनल अपने पास प्रोटिस्टा के अंदर आ गए प्रोटोजोआस। तो प्रोटोजोआस कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स अपने होते हैं, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट की फॉर्म में ये रह रहे होते हैं। एक चीज़ अगर आप में से किसी ने भी ऑब्जर्व की हो, सबसे पहले आए थे क्राइजोफाइट्स, फिर आए थे डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर आए थे यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ये अपने पास किस किस के अंदर रह रहे थे, देखते जाओ, देखते जाना ध्यान से। सबसे पहले जो क्राइजोफाइट थे वो फ्रेश वाटर में भी रह रहे थे और मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर भी रह रहे थे। डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहे, मैराइन एनवायरनमेंट में रहे। यूग्लिनॉइड्स किसके अंदर रहे, फ्रेश वाटर में रहे। वाटर का काम हो गया पूरा। उसके बाद क्या आए हम लोगों के पास, उसके बाद अपने पास प्रोटोजोआज आए, और प्रोटोजोआज से पहले, ठीक है, अपने पास आए स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपने पास यहाँ पर आई। यहाँ से हमने अब समंदर में ना रहने की वजह से, ये समंदर में रहते थे तो फोटोसिंथेटिक थे, ये भी समंदर में रहते थे तो फोटोसिंथेटिक थे, ये वाटर में रह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी अपने पास यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हो गए, स्लाइम मोल्ड्स बिल्कुल अपने पास सेपरोफाइट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक नहीं बचे, फोटोसिंथेटिक नहीं बचे, सेप्रोफिटिक हो गए। प्रोटोजोआज भी कैसे हैं, प्रोटोजोआज भी प्रीडेटर्स की फॉर्म में और पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं। सारी की सारी चीज़ें इजीली याद हो गई अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो। सबसे पहले फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, फिर सिर्फ मैराइन, फिर सिर्फ फ्रेश वाटर, ख़त्म। स्लाइम मोल्ड्स कहाँ पर रहेंगे, सेप्रोफाइट्स की फॉर्म में, और प्रोटोजोआज किसकी फॉर्म में, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स की फॉर्म में। सारा का सारा कंपैरिजन करवा दिया है, सारा का सारा याद करवा दिया है कि कौन फ्रेश वाटर में रहेगा, कौन कहाँ पर कैसे पानी के अंदर रहेगा। अब एक लास्ट चीज़ इनके अंदर बची है प्रोटोजोआज में। प्रोटोजोआज जो हैं अपने पास चार तरीके के होते हैं। देखो फटाफट से, प्रोटोजोआज क्या हो गए हम लोगों के पास, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट की फॉर्म में ये रहते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें प्लांट से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें इस प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल से रिलेटेड हैं, इसीलिए तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये असल में है किसके अंदर, ठीक है। तो ओके, तो प्रोटोजोआज जो होते हैं वो हम लोग के पास चार कैटेगरीज के अंदर इनको हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआज। याद करने का तरीका बताती हूँ, एक बात बताओ, अभी जो प्रोटिस्टा की चार क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उनके नाम क्या क्या थे? क्या सबसे पहली का नाम क्राइजोफाइट्स था, उसके बाद दूसरी का नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स था, उसके बाद तीसरी का नाम यूग्लिनॉइड था ना, उसके बाद तीसरी का नाम यूग्लिनॉइड था, उसके बाद चौथी का नाम स्लाइम मोल्ड था, और फाइनली प्रोटोजोआस तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। अब देखो, जो कैरेक्टर क्राइजोफाइट्स में थे, सेम से कैरेक्टर्स यहाँ पर रख दो। क्राइजोफाइट भी मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में रहते थे, ये साथ में थोड़ा सा सोयल पे भी रह जाते हैं, हो गया तुम लोगों को याद ये कहाँ पर रहेंगे। क्राइजोफाइट्स में भी डाई एटम्स के अंदर सिलिका प्रेजेंट होती थी, यहाँ पर भी सिलिका प्रेजेंट होती है, सिलिका शेल्स। बाकी नाम से याद हो जाएगा, अमीबॉइड नाम है तो अमीबा, एंट अमीबा, पैरासाइट की फॉर्म में जो कि हम लोग के पास रहता है, और अमीबॉइड अमीबा की तरह है, जैसा अपना अमीबा होता है उसी की तरह कैप्चर को प्रे करेगा, तो अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो अमीबॉइड के सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को याद हो गए। कैसे आप लोग को याद हो गए, सबसे पहले क्राइजोफाइट की हेल्प से दो कैरेक्टर याद, कौन से दो कैरेक्टर याद, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सोइल, और दूसरा सिलिका शेल्स। अमीबॉइड नाम ही अपने पास यहाँ पे गिवन है, नाम की वजह से दो चीजें आपको याद हो गई, कौन कौन सी दो चीजें आपको याद हो गई, सिलिका शेल्स और साथ में स्यूडोपोडिया एंड एंट अमीबा, आप लोगों को यहां पर याद हो गया। डन,
चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये किसके अंदर आ गए? क्राइजोफाइट्स में। नेक्स्ट हम लोग के आए डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स अपने कैसे थे? उनके पास फ्लैजिला थे, तो यहां पर भी क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे। वो भी किसी ना किसी को मार रहे थे, ये भी किसी ना किसी को मारेंगे। पैरासिटिक यहां पर होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, मारेंगे तो नहीं, डिजीज कॉज करेंगे अपने पास। ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा क्या करते हैं हम लोग के पास? स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देते हैं, और ये भी पैरासिटिक होते हैं। देखो यार, पैरासाइट तो सभी होंगे, पैरासाइट तो प्रोटोजोआ के अंदर सभी पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं या फिर पैरासाइट हैं, तो इसलिए पैरासाइट के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, पैरासाइट तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या था? डाइनोफ्लैजिलेट, उनके पास भी फ्लैजिला, इनके पास भी फ्लैजिला, ये भी किसी ना किसी को हार्म पहुंचाएंगे। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, पैरासिटिक अपने पास यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट अपने पास है सिलिएटेड, सीलिया अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो एक्टिवली मूविंग कॉज ऑफ सीलिया, सीलिया की वजह से ये एक्टिवली मूविंग होते हैं। और एक्टिवली सीलिया क्या करते हैं? सीलिया एक तरीके से झाड़ू को माना करो, झाड़ू को ये, इसको ना सीलिया माना करो, तो ये क्या करेगा? कुछ भी चीज होगी तो उसको क्या करेगा? इधर जा, ये मेरा गलट कैविटी है। कैविटी को क्या कहते हैं? कैविटी को कहते हैं गलट। गलट के अंदर क्या करेगा? फूड अंदर ले जा। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? पैरामीशम, पैरामीशम एग्जांपल अपने पास हो गया। तो सबसे पहले क्या है? अमीबॉइड। अमीबॉइड कैसा हो गया? सेम एज दैट ऑफ द क्राइजोफाइट्स, सिलिका शेल्स, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सोयल। अमीबा के अंदर जैसे शूडोपोडिया होता है, यहां पर भी क्या होगा? शूडोपोडिया होगा। एग्जांपल क्या हो गया? एंट अमीबा या फिर पैरासाइट्स। नेक्स्ट अपने पास क्या है? हम लोग के पास फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड अपने पास क्या होंगे? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये भी बीमारी कॉज कर रहे होंगे। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा और पैरासिटिक तो होते ही हैं। सिलिएटेड सीलिया प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे? फूड को गलट के अंदर डालते जाएंगे। एग्जांपल क्या हो गया? पैरामीशम। फाइनली अपने पास स्पोर लाइक स्टेज जैसी अपनी किसके अंदर बन रही थी? चौथी कैटेगरी क्या थी हम लोग की? चौथी कैटेगरी हम लोग के पास थे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी क्या बन रहे थे? स्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी, वहां पर भी प्लाज्मोडियम बन रहा था, यहां पर भी प्लाज्मोडियम बनेगा, लेकिन ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है। ये प्लाज्मोडियम वो अपना जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम होता है ना, मलेरिया वाला, वो वाला प्लाज्मोडियम ये अपने पास है। तो आपको पूरा का पूरा प्रोटोजोआस जो है वो कवर मैंने इस पेज के अंदर करा दिया है, राइट। तो प्रोटोजोआस क्या हो गए? आपके प्रीडेटर्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स। पैरासाइट की फॉर्म में सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आती है अमीबा वाली। अमीबा के अंदर क्या होंगे? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, हर जगह रहते हैं। अमीबा की तरह शूडोपोडिया यहाँ पर होगा, सिलिका शेल्स क्राइजोफाइट्स की तरह, एंड एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल हो गया। फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स के बारे में बात करो, फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक होते हैं। फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे होंगे, ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआस के बारे में बात करूँ तो ये क्या होते हैं? यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया एक्टिवली मूविंग यहाँ पर ये हम लोग के पास होते हैं। गलट के अंदर सारा का सारा खाना क्या कर रहे होते हैं? डाल रहे होते हैं पैरामीशम। स्पोरोजोआस, स्पोरोजोआस का मतलब स्पोर बनाएंगे, जैसा स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर्स बनते थे, प्लाज्मोडियम बनता था, यहां पर भी स्पोर्स एंड प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। इसका मतलब दोनों को आप लोग लिंक कर सकते हो। क्राइजोफाइट्स को किससे लिंक कर सकते हो? अमीबॉइड के साथ लिंक कर सकते हो। क्राइजोफाइट्स के बाद आप लोगों का क्या आता था? डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइजोफाइट्स के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स के बाद स्लाइम मोल्ड्स, और ये सारे जो पढ़ेंगे वो तो प्रोटोजोआस हम पढ़ेंगे, वो पांच चीजें अपने पास आती थी। तो अमीबॉइड इस जैसा, डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड जैसा, सिलिएटेड अपने पास हो गया, और स्लाइम मोल्ड जैसे अपने पास क्या हो गए? स्लाइम मोल्ड जैसे हम लोगों के पास स्पोरोजोआस यहां पर हो गए। और ये हम लोगों का क्या हो गया? ये हम लोगों का खत्म प्रोटोजोआस। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फंजाई।